जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो मैंने सोचा है कि मैं आपसे अपना तकरीबन अपनी डेली की रूटीन भी शेयर किया करूँगी। सुबह का टाइम है, हम उठे हैं तो हाफिज़ साहब को नान चने बहुत पसंद है, वो नान चने लेके आए हैं, तो नाश्ता करने लगे थे। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें, लाहौर का वैसे भी लाहौरी चने, चिकन चने हो गए, दूसरे मुरख चने हो गए, ये सिंपल चने हैं, हमने चने मंगाए हैं। एक बेटी को पूरी पसंद है, हलवा पूरी, उसके लिए पूरी मंगाई है, साथ दही है और हलवा है, हलवा पूरी के साथ हलवा होता है। आज सलाद नहीं मिला हलवा पूरी के साथ, साथ हमारे नान है। हम नाश्ता करने लगे हैं, तो नाश्ता करके तो फिर आपसे मिलते हैं। क्या खा रहे हो तुम? जी पीछे इसने भी आ रहा है, एंजॉय करें इसको भी सारे, और हम उठी देर खाना एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जनाब अब दोपहर हो चुकी है, तो मैं बनाने लगी हूँ मूलियाँ पालक। इस मौसम में मूलियाँ पालक पकाई जाती हैं, बहुत पसंद की जाती हैं मेरे घर में, बच्चे शौक से खाते हैं। मूलियाँ मैंने पहले ही छील के काट के बारीक बारीक नमक लगा के धो के तो उनको नुचड़ने के लिए रख दिया था, जो कि अब नुचड़ चुकी हैं। ठीक है, आपने भी इनको पहले छील लेना है, ऐसे बारीक बारीक काटना है, फिर इनको नमक लगा के रख देना है घंटे के लिए, उसके बाद अच्छी तरह से धो के नुचड़ने के लिए रख देनी है। देखिए मेरे बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा, नुचड़ चुकी हैं। अब मैं पालक बना रही हूँ, पालक काटूंगी, इसको अच्छी तरह धो के फिर इसको उबाल लेंगे, फिर नेक्स्ट जो रेसिपी होगी वो आज खाना मेरी बेटी बनाएगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं पालक बना लूँ, फिर मिलते हैं। जो उनसे वीडियो कैमरा मैन है वो बनाएगी खाना। तो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आपको बोला था मेरी बेटी आज बनाएगी खाना, तो वो खाना बना रही है। उसने पैन में घी गर्म किया और उसमें चिकन डाल के, तो पहले चिकन जो है ना वो रेड करना शुरू कर दिया। पालक हमने बना के धो के उबल नहीं रखती थी, ये देखें बिल्कुल अब ये हमारी पालक तैयार होने पे है। ब्रीक ब्रीक काटी थी क्योंकि इसको ग्राइंड नहीं करना, इसलिए बिल्कुल ब्रीक ब्रीक काटी थी हमने। और ये देखें मूलियाँ भी मैंने आपको दिखाई थी कि बिल्कुल ऐसे ब्रीक ब्रीक काटी थी, नमक लगा के धो के नुचोड़ ली हमने। पालक भी हमारी बोल, अब ये चिकन में हमने सबसे पहले मेरी बेटी ने ये मसाला, ये गरम मसाला नहीं है, इसमें गरम मसाला भी ऐड है मगर कुछ मसाला जात, जैसे कि ज़रा सी बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी अजवाइन है, ज़ीरा है, सौंफ है, इस तरह से उसने कुछ मसाले जो बनाए थे वो डाले हैं। फिर उसके बाद उसने लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमारा हमेशा की तरह बना हुआ पड़ा होता है, हरी मिर्च अदरक लहसुन का, वो दो चम्मच डाले हैं। चिकन को हल्का हल्का साथ साथ भून रही है, रेड कर रही है। फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, मूलियाँ, पालक, गोश्त, आपकी मर्ज़ी है आप गोश्त में मटन ले लें, बीफ ले लें, हमने चिकन लिया है। फिर मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पीसा हुआ, ये डाल के बुनाई कर रही है मेरी बेटी अच्छे तरीके से। ये थोड़ी सी सूखी मेथी है, हरी मेथी ताज़ा मिल रही हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इस टाइम मेरे पास वो नहीं थी तो हम लोगों ने फिर इसलिए मेरी बेटी ने सूखी मेथी डाल ली, क्योंकि पालक में मेथी डले तो फिर मज़ा ज़्यादा आता है। उसके बाद चिकन को ढाँप के रख दिया पकने के लिए, गलने तक के लिए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक, और इसकी खुशबू इस वक्त इतनी मज़े की, इतनी यमी खुशबू है कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको बोलूँ खाना निकाल के भी समझे थोड़ा सा मसाला ही टेस्ट करवा दो, क्योंकि मेथी की भी अपनी खुशबू होती है। तो इसमें ये देखें माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, हमने इसमें मूलियाँ ऐड कर दी, मूलियाँ डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढाँप के 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे, और भुनाई आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ये देखें पालक भी बिल्कुल रेडी हो गई है, पानी इसका बिल्कुल एंड है, आवश्यक हो रहा है। लो जी 10 मिनट गुजर गए और हमारी मूलियाँ गल चुकी हैं तकरीबन, पालक तो पहले ही पक पक के गल चुकी है उधर अलग से, उसको सिर्फ हमने बीच में ऐड करके तो इसकी भुनाई करनी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी लुक है, और हमें तो खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, अभी से मुँह में पानी आ रहा है खुशबू से। ये देखें पालक बिल्कुल बारीक बारीक थी, इसको ग्राइंड नहीं करना था इसलिए हमने इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट के बॉयल किया है। तो ये देखें, ये देखें ऐसे ऐसे ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी और इसकी बुनाई भी हो जाएगी। जब अच्छी तरह से भून के
और ऐसे मज़ेदार सा हमारा यमी सा सालन तैयार हो जाएगा। तो फाइनली व्यूवर्स, हमारा खाना जो है तैयार हो गया है और बच्चे खाना खा रहे हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है, लेकिन मेरे बच्चे ज़रा रोटी के ऊपर सालन डाल के ना ये वाला शौक से खाते हैं, इसलिए रोटी के ऊपर डाला हुआ अलग से नहीं है। हल्का हल्का घी लगा के उन्होंने रोटी बनाई, ऊपर ये मूलियाँ पालक और चिकन है। ये देखें ये खाना खा रहे हैं हम। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हम अब खाना खा रहे हैं, तो हमें दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ फिर से अपनी डेली रूटीन कुछ शेयर करूंगी। अब कुछ ना कुछ यूनिक नया से नया आपके साथ शेयर किया जाएगा। कुकिंग भी मैं शेयर करूंगी, रेसिपीज भी शेयर करूंगी, लेकिन अपनी थोड़ी थोड़ी रूटीन्स और फैमिली की थोड़ी थोड़ी सी डिस्कस आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि आप थोड़ी सी लाइफ भी अपनी शेयर करें, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा शेयरिंग शुरू की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।